फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत है दूसरे अनदर ब्लॉग पे। तो चलिए, गाड़ी लोड हम लोगों का कंफर्म हो चुका है, अभी निकलेंगे कटक के लिए माल लोड होगा। तो कंपनी में ही तो है, अभी तक तो गाड़ी लोड नहीं हुआ है हम लोगों का, लोड होगा थोड़ी देर बाद। ये DTC का ही कंपनी है ये। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी हम कैमरा कर रहे हैं, थोड़ा छुप छुप के कर रहे हैं। यहाँ सामने ही पहाड़ है, देख सकते हैं, जगह तो खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, इसीलिए अच्छे से दिखा नहीं पा रहे। हे गाइस, तो वहाँ कंपनी से तो निकल के आ चुके हैं, अभी फिलहाल यहाँ भारत पाम में रुके थे, यहाँ डीजल भरवाने के लिए। ये आपका क्या बोलते हैं उसको, मतलब कचरा घाट से अभी पीछे है, कचरा घाट अभी उधर बाकी है जाने में। तो इधर जो टोल पड़ा था एक, वो टोल पार करने के बाद ही यहाँ आके पाम में रुके, डीजल भरवाए यहाँ से। अभी फिलहाल बाथरूम वगैरह कर लेते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। और अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं, इधर से हम आए हैं लोड करके, यार हमको जाना है इधर इगतपुर, इस साइड पड़ेगा इगतपुरी। तो चलिए पहले बाथरूम वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी लोड करके हम निकल चुके हैं वहाँ से। अभी चल रहा है, मौसम कैसा है देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है मौसम, एकदम मतलब बढ़िया है। थोड़ा थोड़ा कभी बारिश भी आ रहा है, और जगह भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। यहाँ का भी व्यू है, बस चेक कर सकते, चेक देखिए कैसा है। फोन में तो उतना अच्छा खास नहीं लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग आँखों पर जो देख रहे हैं, क्या ही बोले, अलग ही लेवल का है। पहाड़ है उसके ऊपर, मतलब बादल ऐसे छाया हुआ है, क्या ही बोले। एक जम्मू कश्मीर लगा तो साइड, वो भी एक जन्नत पॉइंट, और इधर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बाकी हम इगतपुर का जो वाड़ी है उससे थोड़ा पीछे ही है। चलिए, अभी ये इगतपुरी वाला जो घाटी है, ये घाटी अभी स्टार्ट होगा, थोड़ा सा ही बाकी है। ये सामने जो थोड़ा सा ढलान जैसा उतर रहे हैं, इसको पार करने के बाद, उसके बाद से ही मतलब उधर घाटी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं, जल्दी हो सके गाड़ी पार कर लेंगे। ये गाड़ी में आ चुके हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत झरना भी इधर थोड़ा सा झरना है, ऐसा और भी देखने को मिलेगा यहाँ मतलब घाटी के। अभी ये बरसात के मौसम में इस घाटी का ही मतलब एक खूबसूरत नज़ारा ऐसा ही देखने को मिलता है, कि हमारे मतलब कुछ जगह पे सर फिर से और एक झरना ही थोड़ा पड़ा है, उससे देख सकते हैं नज़ारा कैसा है। मन कर रहा है यहाँ के नहा, काट एरिया जगह नहीं है, वरना यहाँ रुक के इधर ही नहा लेते, बहुत ही खूबसूरत जगह है। चलिए चलते हैं अभी आगे, गाड़ी अभी भी बाकी है, गाड़ी का मतलब अभी थोड़ा सा ही आया, और भी अभी बाकी है लगभग 4-5 किलोमीटर अभी बाकी है। चलिए दोस्तों, अभी हम एक्सप्रेस में चलने वाले हैं, सामने जो रेड कलर का दिख रहा है वही एक्सप्रेस आएंगे। आगे जाके आगे से हमको राइट टर्न मारना है, राइट टर्न मार के फिर एक्सप्रेस का जो एंट्री वाला टूल है उधर एंट्री करके फिर एक्सप्रेस में आपको चढ़ना है। चलिए जल्दी जल्दी, अभी टाइम भी हो रहा है, 12 बज गया है, खाना पीना कुछ किए नहीं है, उधर एक्सप्रेस में जाके देखेंगे उधर कुछ क्या मिलता है। यहाँ से नागपुर है 625 किलोमीटर, नागपुर वहाँ लिखा हुआ है राइट साइड, देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से गाड़ी को घुमा लिए, अभी चलिए चलते हैं, वीडियो में कंटिन्यू रहे।
मौसम देखो भाई, यहाँ का भी मौसम देखो बहुत बढ़िया है, बारिश भी हो रहा है। और आगे गाइस, तो एक्सप्रेस में 50-60 किलोमीटर आने के बाद यहाँ इस पिकअप पंप में रुके थे, लेकिन यहाँ खाने का तो कुछ है नहीं, इसीलिए यहाँ से निकल जाएंगे। आगे देखेंगे क्या कुछ मिलता है। अभी टाइम भी हो गया, दोपहर का 1:30 बज रहा है, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। है गाइस, तो अभी भी एक्सप्रेस में ही है। यहाँ से नागपुर है और 300 किलोमीटर। यहाँ पे एक इंडियन ऑयल पंप था, यहीं पे रुके थे थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए, और नाश्ता वास्ता हो गया है और अभी फ़िलहाल निकलेंगे हम यहाँ से। टाइम भी इधर हो गया है, 6:30 बज गया है। थोड़ा चिप्स भी ले लिए और पानी वाटर लिया था, ये तो थोड़ा है, बाकी ख़त्म हो गया है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी ये रहा हम लोगों का। हे गाइस, देख सकते हैं कल रात को एक छोटी सी हादसा हो चुका है, यहाँ ये वाला चीज़ बैंड हो गया है। कल हुआ था कि एक्सप्रेस से हम आ रहे थे, ये अब्तामल का जो रास्ता गया है एग्ज़िट, उससे पहले मतलब आ रहे थे हम लोग, नॉर्मली ऐसे ही आ रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रहा था और मेरे राइट साइड से गाड़ी मेरे को ओवरटेक कर रहा था, और अचानक मतलब राइट साइड से कुछ मतलब जानवर होगा, क्या चीज़ था उतना मेरे को मतलब कन्फर्म से मालूम नहीं है, मतलब अचानक गाड़ी के आगे आ गई, इसीलिए उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी को मैंने मतलब सडनली ब्रेक किया, तो गाड़ी मतलब बाएं तरफ खींच लिया गाड़ी, और राइट साइड पे मेरा तो गाड़ी था इसलिए राइट पे उधर टर्न नहीं कर पाए, मतलब बाएं तरफ हल्का हमने काटी थी गाड़ी को, इसीलिए गाड़ी बाएं ही खींच लिया, उसकी वजह से मतलब साइड में जो वो जो बैरियर रहता है साइड पर उसमें जाके लड़ गया था गाड़ी। तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वो साइड वाला बम्पर ही वही थोड़ा बैंड हो गया है, और सामने वाला पहिया का उसका स्टैगनर जो रहता है उसमें थोड़ा मतलब उसमें भी आए हैं, खरोच आए हैं। तो अभी फ़िलहाल एक्सप्रेस में इधर ही रुके थे थोड़ा, अभी निकलेंगे यहाँ से। अभी सुबह के टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहा है, यहाँ से नागपुर और 100 किलोमीटर बाकी है, तो चलिए निकलेंगे यहाँ से। हे गाइस, तो अभी हम नागपुर बाईपास वाला टोल पे पहुँच चुके हैं, वो पीछे रहा उधर रहा टोल, और यहाँ पे रुके थे पानी लेने के लिए। भाई गया है वो पानी का टैंक के अंदर करने, टूल बॉक्स पे करने के लिए हो गया है, पानी अंदर कर रहा है, और निकलेंगे अभी यहाँ से। अभी तो टाइम 8 बजा है सुबह का, थोड़ा जल्दी आ गए, तो चलिए निकलते हैं अभी यहाँ से। हे गाइस, तो नागपुर पार करने के बाद ये भंडारा रोड पे घूम के यहाँ जो टोल पड़ता है, पहला जो टोल माथानी टोल या ऐसा ही कुछ बोलता है यहाँ का, यहीं पे पार करके यहाँ दुकान पे नाश्ता करने गए थे। दुकान पे ब्रेड मिला था, ब्रेड नाश्ता किए, गाड़ी यहाँ रहा, तो चलिए निकलेंगे। कल वो एक्सीडेंट की वजह से भाई मूड थोड़ा ऑफ है, क्योंकि इतना दिन हो गया गाड़ी को चलाते हुए, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कल मतलब खुद का गाड़ी पे ही ऐसा हो गया। दुख भी लग रहा है और मतलब सोच भी रहे हैं कि मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ हुआ नहीं, अगर बड़ा कुछ भी हो सकता था, मतलब गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं था, अगर मतलब कोई कच्चा माल अगर होता गाड़ी स्पीड में रहता तो दिक्कत होता, किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं था। गाड़ी उस वक्त लगभग कितना बोलेंगे, 40 के करीब ऐसा ही कुछ स्पीड था, मतलब धीरे धीरे आ रहे थे, मतलब क्या है ना, बारिश भी हो रहा था, मतलब पूरा शीशा में बारिश भी एकदम पूरा भर गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा ही गिर रहा था बारिश, तो हमने वही पर चलाया नहीं, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा बारिश जब गिरना स्टार्ट होता है
अगर थोड़ा ही गिरेगा तो उस वक्त अगर वहीं पर चला देंगे तो पूरा शीशा उसमें दाग हो जाता है, इसीलिए चलाए नहीं कि पूरा शीशा पहले मतलब अच्छे से दिख जाए उसके बाद चलाएंगे, ऐसे इसीलिए हमने चलाया नहीं था। और राइट साइड से मेरा एक कंटेनर 10 चक्का वो ओवरटेक कर रहा था और उसी के बीच मतलब अचानक उधर से राइट साइड से आ गए, तो इधर भी बैरियर था। और एक्सप्रेस में तो मालूम है कि गाड़ी मतलब लेफ्ट साइड पे ही चलना है बड़ी गाड़ी को, तो मैं अपना लेफ्ट साइड पकड़ के ही मैं चल रहा था। मतलब सडनली जब वो आगे आ गया मैं ब्रेक किया, एकदम इमरजेंसी ब्रेक किया, तो इमरजेंसी मतलब वो भी चीज़ बड़ा ही था, मतलब क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, बस स्वर वगैरह ऐसे कुछ हुआ हुआ। चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। है गाइस, तो भंडारा पार करने के बाद उसके बाद रुके हैं, चिकन लिया है, चिकन बनाएंगे। और वो 49 नंबर गाड़ी जो दोस्त है वो भी आ रहा है। पहली बार जब हम आए थे महाराष्ट्र तब उधर वाला जो पार्किंग है वहीं पे रुके थे, 12 चक्का लेके आए थे पहली बार। और गाड़ी हम लोगों का तो इधर है, चलिए अभी खाना वाना बनाएंगे, अभी तो 11:30 बज रहा है। देखा जाए अगर गाइस, तो अभी हम देवरी बॉर्डर पार करने से पहले यहाँ पंप में रुके हैं और यहीं पे डीजल भरवा रहे हैं, टंकी फुल कर रहे हैं यहाँ पे। तो बॉर्डर पे रुके हैं गाइस, सरकारी कर्मचारी को लोगों को चाय पीने का पैसा देने के लिए गया है मेरा भाई, वो जा रहा है उधर से, वो जो ड्राइवर लोग पैदल आ रहा है देख सकते हैं, उधर से उधर ही जाना पड़ता है पैसा देने के लिए। ये आगे एक सीजी नंबर गाड़ी है, वो गुजरात नंबर और ये भी सीजी नंबर है। चलिए वो गया है पैसा देने के लिए, देखिए आएगा तो फिर जाएंगे। 6 चक्का में हम लोगों का 200 रुपया लगता है यहाँ। है गाइस, तो अभी महाराष्ट्र बॉर्डर पार करके अभी छत्तीसगढ़ बॉर्डर में यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और मेरा भाई वो गया है मैकेनिकल कटवाने के लिए। आज तो महीने का 7 तारीख हो रहा है, यहाँ तो मैकेनिकल ख़त्म हो गया, ये महीना टू महीना चलता है, जैसे 7 तारीख से 7 तारीख ऐसा नहीं चलेगा, महीना ख़त्म तो भी ख़त्म, यहाँ का सिस्टम ऐसा ही है। तो गया है आगे मैकेनिकल काटने के लिए और मेरा वो दोस्त का गाड़ी वो आगे निकल गया है क्योंकि उसमें तो कच्चा माल भरा हुआ है, वो झाड़ग्राम वाला था, वो टाटा गाड़ी था ना अंगूर में जो चल रहा था हमारे साथ, एक साथ चल रहे थे, एक साथ नहीं मतलब थोड़ा आगे पीछे चल रहे थे, तो वही गाड़ी है 60-38 वाला टाटा गाड़ी, वो आगे गया है, उसमें कच्चा माल भरा है, उसमें मौसम भी भरा है, तो कलकत्ता का माल है उसमें, तो आगे निकल गया है। क्या कर रहा है लोग, इतना टाइम क्यों लगवा रहे हैं क्या मालूम, जल्दी जल्दी चलो ना यार, जितना जल्दी हो सकेगा रायपुर सिटी पार करेंगे तो उतना ही मतलब अच्छा है, ज़्यादा लेट होगा तो मतलब सिटी में जाम लगता है आधे वक्त। तो उस दिन मतलब एक कंटेनर था मेरा आगे और एक छोटा गाड़ी क्या किया कि वो बाएं तरफ से मतलब जगह नहीं है भाई, लुकिंग ग्लास एकदम पूरा टच हो जा रहा है कंटेनर से, फिर भी वो ऐसा करके गाड़ी को घुसा के मतलब ऐसा इस पोजीशन पे जाके वो रोक दिया। और कंटेनर वाला जब आगे किया और वो मतलब सिंगल जब खुला तब कंटेनर वाला भी आगे किया और वो गाड़ी उधर से मतलब राइड ले लिया, तो इनको अभी कंटेनर वाला को कैसे मालूम चलेगा बताइए। अभी हम लोगों का गाड़ी में उधर ग्लास लगा हुआ तो ग्लास लगा हुआ है इसलिए हम लोग उधर देख सकते हैं, लेकिन जैसे डाला बॉडी गाड़ी पे, उस गाड़ी पे ऐसा तो मतलब साइड पे अगर कोई चीज़ रहेगा तो मतलब दिखाई नहीं देगा, वो सब गाड़ी में तो वही दिक्कत होता है ना, मतलब जो ब्लैक स्पॉट है उन पोजिशन पर भाई कभी रुकना नहीं चाहिए, छोटा गाड़ी लेके हो या बाइक वाला हो,
उस पोजीशन पे रुकना नहीं चाहिए वरना दिक्कत होगा। तो चलिए अभी टाइम भी शाम के 5 बज रहा है, देखते हैं यहाँ कितना टाइम जाता है। गाइस तो अभी हम बर्गर से पीछे हैं, बर्गर और सोयला पर करके आगे, बर्गर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बर्गर यहाँ से और 25-30 किलोमीटर ऐसा कुछ बाकी है और गाड़ी हम लोगों का यहाँ है। सोयला वाला रोड है और इधर संबलपुर गया है, यहाँ पे रुके थे थोड़ा, अभी निकलेंगे यहाँ से।